जैसे कि आप सब जानते हैं, सुहाना की पिकनिक ग्रीन फॉरेस्ट आई हुई है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। अभी तो टीचर भी उनके कैंप में सो रहे हैं। अहली, मुझे तो कितना ज्यादा बोल हो रहा है। अहली, मैं क्या कर लूं? और तभी वहां से बदक और उसके बच्चे जा रहे होते हैं। और तभी बेबी डक नीचे गिर जाता है और मम्मा डक आगे चली जाती है। अहली, अहली, ये क्या? ये बेबी डक तो यहाँ पर ही गिर गया है। अहली नहीं, मम्मा डक तो आगे चली जा रही है। चलो जल्दी से बेबी डक को उठा लेती हूँ। अहली प्यारी सी बेबी डक, तुम तो यहाँ पर ही गिर गए हो। चलो आ जाओ मेरे पास में। अहली मम्मा डक, लुक जाइए, आपका बेबी डक यहाँ पर ही गिर गया है। अहली मम्मा डक, लुक जाइए। अहली चलो जल्दी से मम्मा डक को पकड़ती हूँ, नहीं तो ये बेबी डक तो यहाँ पर ही रह जाएगा। अली अली, सुहाना सुहाना, तुम कहाँ पर जा रही हो? अली सुहाना, देखो तो यही है, कितना घना जंगल है, तुम खो जाओगी सुहाना। अरे सुहाना मत जाओ, अली सुहाना लुक जाओ, सुहाना मत जाओ। अरे ये क्या, ये तो शोफे की आवाज थी। अरे ये दोनों भी बहनें कहाँ पर जा रही है? चलो मैं भी जाती हूँ। अरे ये क्या, ये मम्मा डक कहाँ पर चली गई है? मुझे तो ये कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। मम्मा डक, आप कहाँ पर चली गई है? ये बेबी डक यहाँ पर है मेरे पास में, आप आपका बेबी डक ले लीजिए। अहली, अब मैं मम्मा डक को कहाँ पर ढूंढूं? बेबी डक, तुम यहाँ पर बैठ जाओ। और बेबी डक पानी में चले जाता है। अहली, बेबी डक, तुम कहाँ पर जा रहे हो? अहली, अहली क्या मैं तो पानी में गिर गई हूँ? मम्मा मम्मा, अहली मुझे कोई तो बचा लो। अहली, अब मैं क्या करूँ? मेरी हेल्प को तो कोई भी नहीं आ रहा है। मम्मा, अहली ये क्या, मैं तो पानी में गिर गई हूँ। अहली मुझे कोई तो बचा लो। मम्मा मम्मा, शोफिया शोफिया। अली सुहाना सुहाना, अली सुहाना, तुम पानी में क्यों चली गई हो? अली ये क्या, सुहाना तो डूब रही है। अली अब मैं क्या करूं? अब मैं किसको आवाज दूं? यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिख रहा है। अली सुहाना, तुम फिकर मत करो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। रुको, मैं अभी जाकर लस्सी लेकर आती हूँ। अरे वाह, अब सुहाना की मदद कौन करेगा? अरे वाह, ऐसी ही होना सुहाना के साथ में, हमेशा हर कंपटीशन में फर्स्ट आती है। अरे वाह, मैं ऐसी ही यहाँ पर बैठे बैठे नजारा देखती हूँ। अहली मैं क्या करूँ? शोफिया जल्दी से कुछ करो, लस्सी लेकर लाओ, लस्सी लेकर लाओ। शोफिया जल्दी से लस्सी लेकर लाओ, मुझे ऐसे लगता है मेरा पैर गाल में फंस गया है। मुझे तो तैरना आता है लेकिन अब मैं क्या करूँ? शोफिया जल्दी से कुछ करो, लस्सी लेकर लाओ। अली इतने घने जंगल में तो मुझे लस्सी कहीं पर भी नहीं दिख रही है। अली ये बेल की शल की क्या दिख रही है? अली ये तो बेल ही है, चलो ले लेती हूँ। सुहाना मैं तुम्हें बचा लूंगी सुहाना। अली चलो जल्दी से बेल लेकर जाती हूँ। अरे नहीं दोस्तों, ये क्या, ये तो एक सांप है और सोफिया इसे बेल समझकर ले जा रही है। अली सुहाना, मैं तुम्हारे लिए लस्सी लेकर आ गई हूँ, तुम फिकर मत करो। ये लो, पकड़ो लस्सी को। अली ये क्या सोफिया, ये तो स्नैक है। अली सोफिया, तुमने ये क्या किया? तुमने तो मेरी तरफ स्नैक फेंक दिया है। अली सोफिया, अली ये स्नैक तो मेरे पर हमला ना कर दे। सोफिया इसे जल्दी से खींचो। अली सुहाना डलो मत, मैं इसे अभी फेंक के आती हूँ। अली ये क्या, ये तो एक स्नैक है। अब मैं सुहाना, मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगी? सुहाना सुहाना, तुम तो डूबते जा रही हो। सुहाना मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है सुहाना। अले बिचारी सुहाना, देखो तो सही, तालाब के अंदर पैर फंस गया है। अले बिचारी सुहाना की कोई तो मदद कर लो। अरे ये क्या, उधर से कौन सा जानवर आ रहा है? रहा है। अरे सोफिया ये क्या, मेरी जूती तो पानी में ही गिर गई है। अरे नहीं,
नहीं मिली जूती पानी के अंदर। अरे नहीं शोफिया, मैं बगैर जूती के चल नहीं सकती हूँ, नहीं तो मेरे पैर में कांटा चुभ जाएगा। शोफिया मुझे अपनी जूती चाहिए। अरे वो तो मेरी बहुत प्यारी सी जूती है, वो तो मुझे पापा ने गिफ्ट में दी थी। अरे नहीं शोफिया, मुझे मेरी जूती चाहिए, मैं उसके बगैर नहीं चलूंगी। अरे वाह, ये क्या, सुहाना की जूती तो पानी के अंदर गिर गई है। अरे वाह, ऐसी ही होना सुहाना की छत में, अब ना जाने सुहाना कैसे निकालेंगी पानी के अंदर से जूती। अरे अम्मी क्या करूं, मुझे तो मेरी जूती चाहिए। और तभी मम्मा डक पानी में जाने लगती है। अरे दोस्तों ये क्या, ऐसा लगता है मम्मा डक सुहाना की जूती लाने के लिए पानी के अंदर गई है। अरे वाह दोस्तों, मम्मा डक ने तो सुहाना की जूती निकाल ली है। अरे वाह, ये मम्मा डक ने तो पानी में से मेरी जूती निकाल ली है, चलो जल्दी से पहन लेती हूँ। अरे वाह, चलो मैंने जूती पहन ली है। अरे थैंक यू सो मच मम्मा डक, अगेन एंड अगेन आपने मेरी जूती निकाल कर दी है, आप तो सच में बहुत अच्छी है। अरे प्यारे से बेबी डक, चलो जल्दी से अपनी मम्मा के पास चले जाओ। ना जाने चुहाना क्या करती है, हर कोई इसका फ्रेंड बन जाता है। देखो तो सही, वो मम्मा डक ने कैसे चुहाना को बचाया है और उसकी जूती भी ला कर दी है। ना जाने चुहाना के पास क्या है, हर किसी को अपना फ्रेंड बना लेती है और मुझे तो फ्रेंड बनाना आता भी नहीं है। अहली ये लो मम्मा डक आपके बेबी, चले जाओ बेबी डक अपनी मम्मा के पास। बाय बाय मम्मा डक, आप सच में बहुत अच्छी हो। अरे जल्दी से चलो शोफिया कैंप में, नहीं तो टीचर हमारी बहुत पिकल करेंगी। अरे हाँ सुहाना, मैं भी आ रही हूँ। अरे बेबी डक, क्या जरूरत थी चुहानों को बचाने की, अरे ये बेबी डक ने ही चुहानों को बचाया है। अरे चलो जल्दी से, अब मैं भी जाती हूँ, नहीं तो कैंप में नहीं दिखूंगी ना तो टीचर मुझे बहुत डांटेंगे। अरे ये क्या, ये तो मुझे डला रहा है, अरे भागो यहाँ से। और मम्मा डक अपने बेबीज के साथ में खेलने लगती है। दोस्तों आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।